वंस यू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड ना, तो आपको फिर वो करने का ही रहता है। अभी मैं चार दिन अगर वीडियो नहीं डालूंगा, मेरे को लगता है मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरे पैसे डूब गए, ये क्यों लिया मैंने, सब छोड़ छोड़ लेकर, बिकॉज अभी वो घुस गया खून में कि ब्लॉगिंग ही करने का। और गाइस ये ब्लॉग जो है वो खास कर जो हमारी तरह जो बिगिनर्स है जो यूट्यूब पे अभी अभी स्टार्ट किए ब्लॉगिंग, सो उन लोगों के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग वर्कशॉप ऐसे कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर ऐसा वर्कशॉप नहीं है कि वहाँ पे माइक कोई सेल करेगा, कैमरा सब सेल, वो सब नहीं है। ये ब्लॉगिंग वर्कशॉप बना है मतलब कंटेंट कैसे ढूंढे, व्यूज कैसे आए, पब्लिक ब्लॉगिंग कैसे करें, ये सब के ऊपर ब्लॉग है। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, और हमारे जो आ रहे हैं जो जिनका ये सेक्शन है ब्लॉगिंग सेक्शन, उनका नाम है अमन जिन, जिनके चैनल का नाम है फूड प्रिंस, और भाई के 25 के सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ जाके भाई को कांग्रेस करो, अपने तो अपने भी 100 का यार, मैं तो बताना भूल गया, अरे आई लव यू मेरी जान पब्लिक, मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और साथ ही साथ एक और कुछ है, अपनी पहली वीडियो भी 1000 व्यू पहुंच कर दी, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और एक चीज़ और बता दूँ, ब्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉग मैं शूट कर सका, तीसरे दिन मैं अपना इंट्रो वोट्रो बनाने आया हूँ, क्योंकि उस दिन जरा भी टाइम नहीं मिला, बहुत लेट पूछा था। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक इतना लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब, फटाफट से स्टार्ट कर दे। बिल्कुल अभी अभी पहुंचा हूँ कांदिवली स्टेशन, और यहाँ से ना मुझे बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि 4 o'clock को जो भी सेक्शन था ब्लॉगिंग वर्कशॉप का सेक्शन वो स्टार्ट होने वाला था, 4 o'clock अभी बच गया, तो मुझे यहाँ से जो है ऑटो या फिर बस करना होगा, तो फटाफट से चलता हूँ और अभी आपको वहीं मिलूँगा। तो अगर अभी तक ब्लॉग देखे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। It starts from somewhere, it goes around and then it ends. We are bio
थोड़ा पार्ट दे दो आप लोग, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोरी इवेंचुअली आपकी होनी चाहिए कि आपने ये इवेंट में कैसे एक्सपीरियंस किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, यू मेट सो मेनी पीपल, यू मेट मी, तो वो एक्सपीरियंस हमेशा आप ब्लॉगिंग के बारे में बताओ। और एक चीज़ ऐसा है ना कि ब्लॉगिंग इज़ नॉट लाइक कॉमेडी कंटेंट जो करते हैं या फिर कोई दूसरा स्क्रिप्टेड, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो ब्लॉग है ना वो एक अनस्क्रिप्टेड हो, उसमें कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, क्योंकि अगर आप आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो ब्लॉग्स में भी स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है उनका जॉनर होगा, बट अगर आप मुझसे पूछो कि ब्लॉग में स्क्रिप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड से मत करो, बट ऑलवेज कीप अ विजुअल, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अभी आज आई फील द सेम, अगर कोई वीडियो 10 out of 10 पे आ गया एंड ऐसा लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा है ब्लॉगिंग का, कुछ मतलब नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर ये टाइम पे ना हमेशा अपना फर्स्ट वीडियो देखो ऑलवेज, कि आपने जब शुरू किया था तब आप जीरो पे थे, आपको 10 views आते थे, आज आपके एटलीस्ट 100 views आ रहे हैं, ठीक है, अब एक साल के गैप में अगर 100 views आ रहे हैं तो अगले साल में मेबी 1000 आएंगे, उसके बाद मेबी लाखों तक जाएंगे, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली। तो जो नीच की जो बात होती है ना, मेरे को अभी तक पता नहीं मेरा नीच क्या है, ऑनेस्टली से आई स्टिल डोंट नो व्हाट माय नीच इज, मेरा सिर्फ एक फंडा है कि आई लिव इन मुंबई, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अपने को एडवांटेज है, वी लिव इन मुंबई, सेकेंडली मेरी लाइफ सबसे अलग है, मैं ये सोचता हूँ, और हर किसी की लाइफ अलग होती है, तो मेरा सिर्फ एक ही फंडा है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो वीडियो देख के लोगों को एक वो यूनिकनेस लगे और रिलेटेबल भी लगे, मैं आई ट्रैवल इन लोकल ट्रेन, आई ट्रैवल इन BST बसेस, मेरे से हर कोई लगे, तो अगर उसी चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ को ही अगर एक क्रिएटिव वे में इन अ स्टोरी फॉर्मेट अगर आप बनाओ और वो किसी को बताओ, तो इमेजिन समबडी सिटिंग इन राजस्थान के किसी कोने में, वो अगर मुंबई लोकल देखेगा उसको कितना मज़ा आएगा, तो हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ऑडियंस बहुत बड़ी है, इंडिया इज़ ह्यूज एंड यूट्यूब इज़ इंटरनेशनल, तो समबडी वॉचिंग फ्रॉम द US वुड एक्चुअली थैंक यू। यूजली ज़्यादा लाइफ स्टाइल का मेरा है नहीं, बट जहाँ तक मैं देखता हूँ लोगों को हर कोई लाइफ स्टाइल में घुस, वॉट इज़ लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग, आपको यू गेट योर आंसर, सो दैट इज़ हाउ यू डू लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग, आज क्या उससे स्लोली वॉट एवर, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये ओवरनाइट का नहीं, कि आज ये वर्कशॉप खत्म हुआ हम चेयर अप हो गए हम जाएंगे हम मनाली घूमने हम वीडियोज़ बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, इट गोज़ ग्रेजुअली, स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट ऊपर धीरे धीरे ग्राउंड पर धीरे धीरे एंड देन यू कम एट दैट, सो दैट इज़ ऑल यू डू। मेरी स्टोरी बोलने के पहले ना, ये पब्लिक ब्लॉगिंग का एक अच्छा टॉपिक है, किसको ऐसा डर लगता है पब्लिक ब्लॉग का, मतलब इतना ज़्यादा डर के कैमरा ये कर ऐसा करके ब्लॉग करना होता है, सबसे ज़्यादा मुंबई में डर लगता है, मुंबई में तो वो लोकल है, कहीं बाहर भी जाओ और मतलब यहाँ पे दो आंटियाँ खड़ी और ऐसा ब्लॉग कर रहे हो और वो आपको देख रही है, ऐसा फील होता है, अरे क्या करो, छोड़ दो दुनिया छोड़ दो, उड़ जाओ यहाँ से गायब हो जाओ, स्टेज के होता है ना ऐसा, अभी हमारे साथ भी नीचे जज हुआ, आई वॉज कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, तो आई वॉज ब्लॉगिंग, 5 people जस्ट फ्रेंड और सब कैमरा में देख रहे हैं और एक बंदा तो आके ए ऐसा ऐसा कर रहा था, तो ऐसा हुआ है कभी कोई ऐसे रैंडमली कोई आके ऐसा ब्लॉग में मस्ती कर रहा है या कुछ बोल रहा है, अंकल लोग हाय बोल, अंकल लोग आए बोलने का आप यहाँ पे अलाउड नहीं, तो हाउ डू यू टैकल द पब्लिक ब्लॉगिंग का, क्योंकि हमेशा हम घर बैठ के नहीं बना सकते, अगर आप जैसे कंटेंट के लिए अगर आप लोकली भी कहीं जाओ तो आपको बाहर पब्लिक में ब्लॉग करना पड़ेगा, तो व्हाट डू यू हाउ डू यू कम ओवर दैट थिंग। सो अमन भाई, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन 25 के सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू, और आज आप जो भी किया वो हम सबके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, कि ऐसे जिंदगी कुछ होता नहीं कि कोई हमसे मतलब बड़ा छोटा क्रिएटर तो होता नहीं, आप हमेशा बोलते हैं अरे मैं बड़ा नहीं है वो बात आपकी सही है, लेकिन ऐसे कोई सीनियर आ रहे हैं समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए और एक बार थैंक यू सो मच, क्यों वेलकम, यू वेलकम। मतलब आपने जब चालू किया था उसके सो गाइस अभी अभी जो है ब्लॉगिंग वर्कशॉप सेक्शन ये अभी अभी ख़त्म हुआ और अभी सब लोग यहाँ पे अमन भाई के साथ फोटो सेक्शन कर रहे हैं, फोटो
सेक्शन के साथ शॉर्ट आउट ले रहे हैं, सो ब्लॉग को अभी डिसीजन कर एड करेंगे। अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये ब्लॉगिंग वर्कशॉप काफ़ी अच्छा था, अगर आप ये टिप को फॉलो करेंगे तो आप 100% आके जाओगे यूट्यूब पे। बस इतना धंधा नहीं है, पब्लिक ब्लॉगिंग में कभी भी शाय मत करना, मैं खुद नहीं होता हूँ। अभी मैं गार्डन के सामने शूट कर रहा गार्डन के, तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और एक और खुशखबरी आप सबके लिए, एक ब्लॉग स्पेशल आने वाले हैं, 100 ब्लॉग स्पेशल अपने ब्लॉग करेंगे। और अगर आप सबके पास भी, मुंबई में रहता हूँ मैं, तो अगर आप सबको कोई अच्छा ब्लॉग चाहिए कि भाई यहाँ की मार्केट दिखाओ, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आप सबको ब्लॉग दिखाऊंगा। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार। कुकड़ में सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करता मेरे को बहुत गुस्सा आती है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।